आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एक यूट्यूबर हो और यूट्यूब की पॉलिसी को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या है, कॉपीराइट कैसे आ सकती है, इसे कॉपीराइट से बचा कैसे जाए। इस वीडियो में हम आपको फुल नॉलेज देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन क्लिक कर दें, ताकि इससे क्या हो जो भी मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक नए यूट्यूबर हो और यूट्यूब की पॉलिसी का आपको नहीं पता, तो ये वीडियो को आपको नहीं लास्ट तक जरूर देख लेना है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कॉपीराइट क्या है, क्यों कॉपीराइट कैसे आती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि कॉपीराइट है वो दो तरह की होती है, एक होती है कॉपीराइट स्ट्राइक और एक होती है कॉपीराइट क्लेम। अगर आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आ जाए तो आपके जो भी वीडियो पर एड आएंगे उसकी अर्निंग है वो आपको नहीं होगी। अगर आपकी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए तो आपकी जो चैनल है वो टर्मिनेट हो सकता है। अगर आपके चैनल पर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए तो आपका चैनल वो टर्मिनेट हो जाएगा, अपना यूट्यूब चैनल से बिल्कुल भी अर्निंग है वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं, अगर आपने वो डिस्क्रिप्शन में सेलेक्ट कर लेते हैं उससे आप कॉपीराइट से 50% है वो बचा जा सकता है। तो इसे कहते हैं डिस्क्लेमर, तो यहाँ पर आपको साइड में नजर भी आ रहा होगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आपने इसे को कॉपी करके अपनी जो यूट्यूब वीडियो में वो रख लेना है, क्योंकि इससे आप कॉपीराइट से बच सकते हैं। क्योंकि आप कहीं भी आप व्लॉग बना रहे हो, कोई म्यूजिक आ जाए या कोई सॉन्ग आ जाए आपकी वीडियो में, तो उससे बचा जा सकता है क्योंकि कोई कॉपीराइट ना दे दे। या अगर आप ये टेक्निकल रिलेटेड से वीडियो बनाते हो, कहीं से आपने वीडियो डाउनलोड कर ली, कहीं से आपने कोई भी पिक्स डाउनलोड कर ली, तो वो आपको कॉपीराइट दे सकता है। अगर आप कॉपीराइट डिस्क्लेमर अपनी वीडियो में लगाते हैं तो 50% है जो कि आपके जो चैनल पर वो कॉपीराइट है वो नहीं आ पाएगी और आपका चैनल है वो सिक्योर रहेगा, सेव रहेगा एकदम। अगर आप अपने यूट्यूब वीडियो में डिस्क्लेमर है वो रख लेते हैं तो आपके जो चैनल है वो 50% है कॉपीराइट क्लेम से बचा जा सकता है। अगर आपका खुद का कंटेंट है या कोई म्यूजिक या सॉन्ग वगैरह जो कि ऐड नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे म्यूजिक अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आप कॉपीराइट क्लेम है वो आ सकता है। तो मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कि डिस्क्लेमर है वो सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपने वहां से करना क्या है, वहां से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने जो कि यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में वहां पर जो कि पेस्ट कर देना है, क्योंकि आप कॉपीराइट क्लेम से बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों में ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन क्लिक कर लें, ताकि इससे क्या हो जो भी मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो आएगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।